हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अशोक लेलैंड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 6.06% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 130.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए मतलब मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है, लेकिन कैंडल अगर मैं बात करूं तो कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी सी बनी है और दोनों के साइड में बड़ी बड़ी जो है विक देखने हमें मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न वो किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी यहाँ पे मैं थोड़े टाइम में आपको तो बता ही दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो आई पैटर्न में मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट जो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले। शुरू से हमने बताया किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है रीड करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें देखने मिलते हैं, बुलिश हो बेरिश हो हर एक चीज के बारे में हमने आपको वहां पे समझाया। तो जरूर जो आप उस वीडियोस को देख ले, छोटे छोटे वीडियो ज्यादा बड़े यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RSI की, RSI 5960 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे ओपिनियन की और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन फिलहाल इस स्टॉक में जो पूरा का पूरा नेगेटिव हो चुका है। क्यों हो चुका है यहाँ पे मैं बता दूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे मेरा जो है ओपिनियन नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव साइड जो है रिवर्सल का होता है। तो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट में कब से था, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन नीचे आया फिर वापस से गैप अप होते हुए इस रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिला है। तो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड में जो स्टॉक गिरते हुए देखने मिल सकता है, हाई चांस है 125 तक इजीली स्टॉक हमें जो है नीचे गिरते हुए देखने मिलने वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इस स्टॉक में जरूर जो कॉशियसली काम करें क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव साइड में थोड़ा सा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक पैटर्न। बाकी यहाँ पे मंडे के लिए क्या होने वाला है वो हम हमारे 1 आवर के चार्ट में बात करेंगे, लेकिन मंडे के चार्ट पे आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव हमारा जो है ओपिनियन हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन और आने वाले दिनों में खास करके फिलहाल वनडे के चार्ट के बेसिस पे क्या हो सकता है वो आपका क्या ओपिनियन बनता है वो हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे हमारे वीडियोस को मिस ना करें। तो यहाँ पे अब बात करते हैं 1 आवर के चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, फिर यहाँ पे हम हमारे डिसीजन की जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो करेंटली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास जो अच्छा खासा यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग जो है वो थी, लेकिन कुछ हमें नया जो है डेटा देखने मिल रहा है उसके बेसिस पे हमें जरूर जो है मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग जो है कर रहा हूँ आप जरूर जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो है मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो अब यहाँ पे हमारा मार्किंग्स भी जो हो चुका है, बात यहाँ पे हम सीधा करते हैं इसके क्लोजिंग की। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिडिल में लेकर आता हूँ। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 130.50 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे था 130.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 132.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो है हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको जरूर बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 129.35 का, उसके बाद क्या आता है 127.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 133.50 का, उसके बाद क्या आता है 134.90 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे बिल्कुल ही जो नेगेटिव का बन रहा है। यहाँ पे स्टॉक में हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने में से मुझे लगता है 127.30 से 129.35 के बीच में हमें क्लोजिंग जरूर देखने में, इसके बहुत हाई चांसेस स्टॉक में नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिले मंडे के दिन। बाकी प्री ओपन मार्केट में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है वो भी हमें देखना है। मुझे यहाँ पे लगता है मार्केट थोड़ा सा एक ओपनिंग में स्लाइड गैप अप पे देके फिर यहाँ पे नीचे जो गिर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डाउनसाइडिंग मूवमेंट जो है स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। यहाँ पे करंटली मेरा ओपिनियन मंडे के लिए नेगेटिव का है। आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।